What's up guys, it's Ahmed. Welcome to Java 41st tutorial, 41st tutorial, and in this tutorial I'm going to show you the concept of composition. So abhi tak jab bhi humne program mein baat ki, humne variables ki aur humne variables aur methods ko as a variables ko humne term tak pass kiya hai aur हमने उसको रिटर्न करवाया था पैरामीटर। तो कंपोजिशन है क्या? कंपोजिशन में हम इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स के बजाय हम जो रेफरेंसेस होते हैं हमारे, उनको भी हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं और उनके रेफरेंसेस देके हम दूसरी क्लासेस में वो कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जैसे मैं प्रीवियस क्लास में मैंने एक मैंगो, मेरी प्री डिफाइंड क्लास थी, इसके मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो ये रेफरेंस क्या था? ये एक मेरी प्री डिफाइंड क्लास का एक वेरिएबल था जो कि डेट को कुछ प्रोग्राम था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। सो ये जो रेफरेंस हुआ, ये मेरा हमारा अपना प्री डिफाइंड रेफरेंस हुआ जो कि क्या बता रहा है, इसकी टाइप मैंगो है। मैंगो मीन एक डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। सो अगर हम जावा की बात करें तो जावा लैंग्वेज हमें डेट का फॉर्मेट नहीं देती। किसी भी लैंग्वेज में बात करें, हम कोई अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी क्लास बनानी पड़ेगी, उसका रेफरेंस और इस तरह हमें उसका वेरिएबल। एक्चुअली ये रेफरेंस हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि एक बता रहा है इसकी टाइप डेट है। तो अगर हम इस क्लास को किसी और क्लास में यूज करना चाहते हैं तो इसके बजाय हम एक और क्लास डेट उसमें दोबारा से बनाएं, तो हम इस क्लास के रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कंपोजिशन मींस कि हम वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वेरिएबल वी कैन आल्सो यूज द रेफरेंसेस ऑफ आवर प्री डिफाइंड क्लासेस। तो एक क्लास और हम यहां पर डिक्लेयर करते हैं, सोर्स न्यू क्लास, और इस क्लास को मैं नाम देता हूं छूना। सो एक मैंने न्यू क्लास क्रिएट की है और इस क्लास में मैं एक लेट्स सी क्या एक वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होगा? स्ट्रिंग होगा जो कि एक नेम रिसीव करेगा और उसे स्टोर करेगा, तो उसे हम नेम देते हैं नेम। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर होगा इस क्लास में। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये कंस्ट्रक्टर एज अ पैरामीटर दो चीजें रिसीव एक्सेप्ट करेगा, और इसके साथ दो चीजें हैं तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए पब्लिक। ये वेरिएबल क्या होगा? एक्चुअली हमारा प्री डिफाइंड डेट क्लास का वेरिएबल होगा जो हम डिक्लेयर करेंगे डेट को यूज करने के लिए। तो हमारी डेट क्लास क्या थी? मैंगो, ठीक है, और इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ हमारा हमारी प्री डिफाइंड क्लास थी, उसका एक वेरिएबल है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमारा रेफरेंस मीन वेरिएबल, और ये जो हमारा है वो इसकी टाइप जो बता रही है डेट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हम दो चीजें ऐसा पैरामीटर पास करेंगे। तो पहले हम जो करेंगे वो होगी स्ट्रिंग, तो पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कुछ नेम दे देते हैं इसे, और उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा वो मैंगो होगा, ठीक है, जो हमारा प्री डिफाइंड क्लासेस का वेरिएबल, और इसको हम डीओबी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर दो चीजें रिसीव करेगा, एक नेम होगा स्ट्रिंग और एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा रेफरेंस जिसमें हमारी डेट है। तो इसको असाइन करते हैं, इसके इंस्टेंस वेरिएबल में नेम में आ जाएगा हमारा एन, और जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ इसमें हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है स्टोर हुआ, ठीक है, सॉरी इक्वल यहाँ नहीं लगाया, डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर आई स्पेल दिस राइट, डेट ऑफ बर्थ,
बर्थ स्पेलिंग मिस्टेक, और इधर भी नाइस फाइन। उसके बाद एक मेथड चाहिए, ट्विस्टिंग मेथड हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पब्लिक और इसमें स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ठीक है। ट्विस्टिंग मेथड और इसमें इसकी बॉडी, बॉडी के बाद हम इसको स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे। और इस दफा हम डिफरेंट तरीके से स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं। फॉर्मेट लास्ट में हमने फॉर्मेट से किया था, और ये दो तरीका है। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा मैसेज होगा वो होगा कि माई नेम इज, और उसके बाद नेम शो करेंगे कंकेटिनेशन प्लस नेम, नेम की वेरिएबल में। उसके बाद एक कंकेटिनेशन, और उसके बाद कहेंगे के माई डेट ऑफ बर्थ इज, और डेट ऑफ बर्थ हमारी जो है वो डेट ऑफ बर्थ की वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग थी। तो इसका ट्विस्टिंग मेथड, अब हम इसमें हमारी मेन क्लास में जाएंगे, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, हमारा टूना का, टूना टूना क्लास का ना, टूना ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टूना। और इस हम ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर दो वैल्यूज पास करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रिंग होगी उसमें नेम होगा, क्योंकि हमने डिफाइन की थी। सो नेम में हम दे देते हैं अहमद, और नेक्स्ट थिंग जो होगी वो हमारा रेफरेंस होगा, जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था हमारे टूना क्लास में, कि सेकंड जो होगा हमारा रेफरेंस हम इसमें पास करेंगे डेट ऑफ बर्थ का। तो रेफरेंस में हम यहाँ पर देंगे जो हमने क्रिएट किया है, डेट ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर राइट ईयर ये भी क्लियर किया। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर सिस्टम इसको शो करना है हमें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और इसमें हम टू ना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। बेस्ट रन करके देखते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा माई नेम इज डैश एंड डैश, इसको इसमें लाइन नहीं आ रही, सो इसमें एल एन हमने सिंपली हमने इस यहाँ ये इसके साथ आ रही थी लाइन, तो हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट कैसे किया कि फर्स्ट मैसेज जो हमारा था उसमें जाके हमने यहाँ पर एल एन एंटर कर दिया, ताकि जो हमारा नेक्स्ट टून ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रिंग शो होगी वो नेक्स्ट लाइन में हो। किया कि हमने सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट से डेट पास की, ठीक है, जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था डेट इस मैंगो क्लास में, ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ और स्ट्रिंग जो रिटर्न हो गई हमें। उसके बाद सेकंड हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें हमने टूना एक नेम और एक ऑब्जेक्ट पास किया डेट का, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ दे चुके थे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे गए टूना क्लास में, तो इसने ऑब्जेक्ट रिसीव किया और एक नेम रिसीव किया, और उसको प्रिंट आउट करवा दिया। तो जब हम यहाँ आए हमने यहाँ पर टू ना ऑब्जेक्ट कॉल किया। तो टू ना ऑब्जेक्ट इज द ओनली ऑब्जेक्ट दैट होल्ड बोथ नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे टू ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, मैंने जैसे कहा था कि टू ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, इसका मतलब ट्विस्टिंग मेथड था। तो ट्विस्टिंग मेथड कॉल हुआ टू ना ऑब्जेक्ट, और उसने दोनों चीज़ें शो कर दी। होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, अगर कुछ भी इसमें मुश्किल है, और आप मुझे कमेंट करें राइट बिलो द वीडियो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।